गणेशपुर थाना अंतर्गत नो पार्किंग के विवाद के चलते गाड़ी चालक ने वाहतूक शाखा कॉटन मार्केट के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेश शंके पर हमला कर दिया। गणेशपुर थाना अंतर्गत गुरुवार को जाधव चौक पर नो पार्किंग में गाड़ी लगाने पर वाहतूक शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने टोकने पर हुए विवाद ने अलग मोड़ ले लिया। पुलिस निरीक्षक के टोकने पर गाड़ी चालक ने गुस्से में आकर निरीक्षक पर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी अनुसार वाहतूक शाखा कॉटन मार्केट के वरिष्ठ निरीक्षक शैलेश शंखे गणेशपुर थाना अंतर्गत आने वाले जाधव चौक पर अपना कर्तव्य निभा रहे थे, तभी उन्हें MH 49B 7250 नंबर की गाड़ी, जिसके मालिक का नाम मोहन राम किशन सिंह ठाकुर है, वो नो पार्किंग में दिखाई दी। शंखे ने गाड़ी मालक को गाड़ी नो पार्किंग से हटाने को कहा। गाड़ी मालक मोहन राम ठाकुर ने शंखे के साथ बहस करना शुरू कर दिया। गाड़ी मालक का कहना है कि मैं गाड़ी कहाँ लगाऊं। इस विषय पर दोनों में काफी देर तक बहस हुई। बहस के दौरान गुस्साए गाड़ी चालक ने शंके पर हाथ उठा दिया। कर्तव्य पर किसी सरकारी कर्मचारी पर हाथ उठाना या सरकारी कामों में रुकावट बनना कानूनी अपराध होता है, इसलिए ये मामला गणेशपेट थाना पहुंचा। इस मामले की सच्चाई जानने हमारी टीम ने गणेशपेट के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक SS कुमरे से बात की तो उन्होंने बताया कि ठाकुर नामक गाड़ी चालक को इसके पहले भी नो पार्किंग के लिए आगाह किया गया था। गुरुवार को भी इसी विषय पर बहस हुई और गाड़ी चालक ने हाथ उठा लिया। इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और आरोपी पर मामला दर्ज कराया गया है। TI शंके कॉटन मार्केट ट्रैफिक इंचार्ज है। ये आज सुबह ट्रैफिक कंट्रोल और व्हीकल की कार्रवाई करने के लिए आज जाधव चौक में गए थे। उनके साथ में EPS जाधव उनका स्टाफ था। जो आरोपी है ठाकुर, ये अपने ऑफिस के सामने उनकी गाड़ी पार्किंग की थी, जो वहाँ पर नो पार्किंग जगह है। उसके पहले नो पार्किंग की जगह में गाड़ी रखने की वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है 5-6 बार। कल उनको सुबह भी बताया गया था कि गाड़ी यहाँ पार्किंग नहीं करना है। उस बात पर आज सुबह भी उनको बताया गया, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और पुलिस के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया है और काम में अड़थड़ा किया है। इस वजह से उनके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं सेक्शन 353 के मुताबिक। हमारी टीम ने शैलेश शंखे से भी बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आरोपी ने गुनाह तो किया है, मगर मैं उसके खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा कि आज हुई पूरी घटना में आरोपी ठाकुर ये पारिवारिक विवादों से त्रस्त था, उसमें गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए उसने ये कदम उठाया है। अभी उसे भी इसका अफसोस हो रहा है। शंखे ने आगे बताया कि मैं उस पर गंभीर गुनाह दाखिल नहीं करूंगा, लेकिन इसके बाद कोई भी नागरिक ऐसा कदम नहीं उठाए, इसलिए उन्हें सिख तो मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।